नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं ब्लॉग संजीव टेक्निकल। दोस्तों आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग एंड हैंड्स ऑन रिव्यू 3 एक्सेस गिम्बल स्टेबलाइजर फॉर स्मार्टफोन, यानी कि ये एक स्टेबलाइजर है और गिम्बल है जो कि आपको देगा एक अच्छी फुटेज वीडियोस के लिए और स्टिल के लिए भी। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप शौक रखते हैं अच्छे से वीडियो बनाना या ब्लॉगिंग का, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है दोस्तों। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस टैग के साथ अमेजोन पे अंडर ₹7,000 के अवेलेबल है दोस्तों। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकेंगे। लेकिन पहले बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलेगा और क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए ब्लॉग संजीव टेक्निकल को और हिट कीजिए बेल आइकन को मेरे हर लेटेस्ट अपलोड वीडियो की जानकारी आपके नोटिफिकेशन ड्रॉअर में सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों ये है 3 एक्सिस गिम्बल डिजिटेक की तरफ से। ये देखें आप, ये इनकी इंपोर्ट और मार्केटेड बाय इन्होंने लिखा है जो इनकी दिल्ली यूनिट है। और ये इसका MRP लगभग इन्होंने यहाँ पे 10,995 रुपीज़ दिखाया है। इसकी कस्टमर केयर भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप डिजिटेक के ही सेलर के द्वारा आप इसे परचेज करें तो बेटर होगा। वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस में हाइक है, लेकिन मैं कहूँगा कि एनवी एंड डिजिटेक से ही बाय करें ताकि आपको 6 महीने की फुल वारंटी भी मिल सके। वहाँ प्राइस थोड़ा हाई है, अदरवाइज दूसरे सेलर्स पे आपको ये 7,000 के अंडर मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इसके अंदर है क्या क्या दोस्तों। ये एक गिम्बल है जो कि स्मार्टफोन के लिए यूजेस में आता है और आपको लगभग वैसी ही फुटेज देता है जैसे कि एक DSLR कैमरा में आपको मिल, स्पेशली वीडियोग्राफी के लिए। इस गिम्बल के बेस्ट फीचर्स जो है इसके बॉक्स के ऊपर ही मेंशन किए गए हैं। ये आप देख लें क्या क्या फीचर इसके ऊपर अवेलेबल है। स्पेशली इसके अंदर फेस ट्रैकिंग और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का फंक्शन है जो कि बहुत ही बढ़िया फंक्शन है दोस्तों। इसके अलावा इसके अंदर जो ऐप बेस्ड फंक्शन है, यानी कि इसके साथ एक QR कोड होगा या ऐप होगा जिसको आप स्कैन करके अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेंगे और फिर आप इन सब ऐप बेस्ड फंक्शन जैसे कि RGB, फोकस कंट्रोल, जूम कंट्रोल, शटर, ISO और वाइट बैलेंस का भी भरपूर फायदा उठा पाएंगे दोस्तों। गिम्बल के सभी पार्ट्स और स्विचेस की जानकारी आपको बॉक्स के बैकपैक में मिल जाएगी दोस्तों। इसके अलावा आपको बैटरी की कैपेसिटी, बैटरी का चार्जिंग टाइम और बैटरी का अवेलेबल ऑपरेशनल टाइम भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको टिल्ट एंगल की जानकारी भी मिल जाएगी और भी बहुत सारी जानकारी इसके बैक पोर्शन के ऊपर अवेलेबल है दोस्तों। दोस्तों इमेज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे 3 मोटर्स होती हैं जो कि है पैन मोटर, टिल्ट मोटर और ये रोल मोटर। ये तीनों का वर्क होगा और तभी आपका जो इमेज है बहुत ही स्टेबलाइज फॉर्म में आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा दोस्तों। अब करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इस डिब्बे के अंदर आपको क्या क्या मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस डिब्बे में से ये प्रोडक्ट निकाला तो ये कुछ इस तरह की पैकिंग मिली है। अनबॉक्सिंग में आपको क्या क्या मिलेगा तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले एक गिटार नुमा हमें पैकेट मिला है जो कि अच्छी बात है। आपका गिम्बल शायद इसी के अंदर है। ये जिपर टाइप का है, इसे फिलहाल के लिए मैं साइड में रखता हूँ। इसके अलावा आपको क्या क्या मिलता है, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो आपको बताती है कि आपने इस प्रोडक्ट को कैसे पकड़ना है और कैसे यूज करना है। यूजर मैनुअल जो मैं कहूँगा कि आप इसको इस्तेमाल करने से पहले जरूर पढ़ लें क्योंकि ये एक बहुत ही डेलिकेटेड आइटम है, मोटर्स वगैरह खराब ना हो जाए, इसलिए इसको पढ़ने के बाद ही आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें दोस्तों। इसके अलावा इसके साथ आता है ये शोल्डर स्ट्रैप जो कि आप इस कैरी केस के साथ टैग करके अपने शोल्डर के ऊपर भी इसको टांग के कहीं भी मूवमेंट में ले जा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको मिलेगा सेफ्टी स्ट्रैप जो कि शायद गिम्बल पे लग जाएगा और फिर आप इसको ऐसे डाल लें ताकि आपका गिम्बल कभी भी गिरे ना दोस्तों जब भी आप शूट कर रहे हो। इसके अलावा आपको मिलेगा एक चार्जिंग केबल जो कि माइक्रो USB टाइप की है। और फाइनली आपको मिलेगा एक ट्राइपॉड स्टैंड जो कि इस तरह का है, तो इसे आप लगा करके कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये हैं कुछ प्रोडक्ट जो अनबॉक्सिंग के टाइम में अंदर से निकले। आप हम खोल लेते हैं ये वाला पैकेट जिसके अंदर आपका डिजिटेक का गिम्बल पड़ा हुआ है और उसको मैं बता देता हूँ कि कैसे आपने इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो जैसे ही आप इस जिपर को खोलेंगे और फिर इसको ओपन करेंगे तो अंदर से आपको निकलता है गिम्बल। ये है वो गिम्बल जिसके द्वारा आपको अपनी वीडियोस शूट करनी है। बात करें गिम्बल की बॉडी की तो ये प्लास्टिक और कुछ मेटल पोर्शन के साथ बनी हुई है। लुक बहुत अच्छी है, हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है और वेट लगभग 440 ग्राम्स का है, यानी कि आराम से आप इसको उठा सकते हैं और लंबी शूटिंग कर सकते हैं दोस्तों। बात करें और गिम्बल की तो क्योंकि कुछ इस तरह का दिखता है। इसके अंदर एक जॉयस्टिक है और एक पावर ऑन स्विच है, एक मोड स्विच है, यहाँ पे 2 LED लाइट्स हैं। इसके अलावा इसके जैसे मैंने आपको बताई थी 3 मोटर्स हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये है वो
ट्राईपॉड जहाँ पे आपको अपना मोबाइल हेल्ड करना है, और इसके अलावा इधर है एक यूएसबी चार्जिंग पॉइंट, और यहाँ पे ही आपको एक यूएसबी चार्जिंग पॉइंट जो कि आप अपने मोबाइल को भी इस बैटरी से इन केस ऑफ इमरजेंसी आप चार्ज कर पाएंगे दोस्तों। इसके अलावा इसके पीछे एक कैमरा बटन जो कि आप प्रेस करके अपने कैमरे को ऑन ऑफ कर सकते हैं। गिम्बल की बॉडी पे ही आपको मिल जाएगा जूम इन और जूम आउट का बटन जिससे आप अपनी फुटेज को कवर करेंगे। इसके अलावा नीचे है एक ट्राईपॉड को लगाने के लिए स्क्रू, और ये है वो ट्राईपॉड जो मैं बता रहा था आपको, और यहाँ पे है एक जहाँ पे आप अपना सेफ्टी टैग लगा करके इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, इनकेस अगर ये गिर भी जाएगा तो आपके हाथ से ज़मीन पे नहीं गिरेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्राईपॉड है ये यहाँ पे लगाना कैसे। आपने इस ट्राईपॉड को खोला और यहाँ पे लगा करके इसको ऐसे रोल करके फिक्स कर लेना है दोस्तों, और फिर आपको इस यूज़र मैनुअल के अंदर मिलेगा एक QR कोड जिसे आप स्कैन कर लें, और ये आपको ले जाएगा गिम्बल प्रो के ऐप के ऊपर जो कि प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लें दोस्तों। ये है वो ऐप जो कि आपको इंस्टॉल करना है, गिम्बल प्रो है ये ऐप, डेवलपर 888 का है, 21 MB। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे बताया ही गया है कि यहाँ पे काउंटरवेट नोब है जो कि आपके मोबाइल को अलाइन करने में आपकी सहायता करेगी। आप अपना मोबाइल लगाने के बाद इसको नोब को इस्तेमाल करके अपने अलाइनमेंट को कर सकेंगे। ऐसा अलाइनमेंट बिल्कुल सही है, बाकी लगभग गलत है, तो आप देख लें कि कैसे आपने इसको एडजस्ट करना है। मैं बता देता हूँ, ये है वो अलाइनमेंट नोब जो कि काउंटरवेट नोब है। इसके अंदर सबसे पहले आपको लगा लेना है अपना डिवाइस। आप देखें इसकी अलाइनमेंट मुझे करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ताकि ये देखें दोस्तों यहाँ पे ये स्टेबल मोड पे आ चुका है, यानी कि लगभग अलाइन हो चुका है। अब बात करते हैं इसको ऑन करने की। यहाँ पे इसका पावर बटन है, उसे मैं फिलहाल के लिए दबा देता हूँ ताकि ये ऑन हो सके। जैसे मैं इसके पावर बटन को दबाता हूँ और ये ऑन होता है, तो आप देखें ये ऑटोमेटिक ही अपनी पोजीशन पे आ जाता है। अब हमें अपने डिवाइस को ऑन कर लेना है और फिर अपना गिम्बल प्रो ऐप को ऑन कर लेना है। जैसे मैं गिम्बल प्रो ऐप को ऑन करता हूँ, अब ये डिवाइस यहाँ पे पेयर हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे देखें ये कुछ इस तरह का इसका मेनू दिखता है, बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं जो कि आप इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने वीडियोस को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको स्विचिंग मिलती है स्टिल फोटो और वीडियोस के अंदर, चूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप इसकी क्वालिटी को चूज़ कर सकते हैं, टेक वीडियो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स और एम टाइम लैप्स, यानी कि मल्टीपल टाइम लैप्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप सेल्फी कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गैलरी के अंदर जो आपने वीडियो बनाए हैं इस गिम्बल के द्वारा, वो इसको टैप करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे बैटरी का स्टेटस दिख रहा है, यहाँ पे फ्लैश का स्टेटस है, इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी मोटर इस टाइम एक्टिव है वो ब्लू कलर में ये दिखा रहा है, और यहाँ पे इसकी बैटरी का स्टेटस है, होम बटन है, कुछ कैमरे की सेटिंग्स हैं, और ये आपके मोड सेटिंग्स हैं, और ये फाइनली गिम्बल की सेटिंग्स है। तो ये सब सेटिंग्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, मैंने ट्राई किया है। इस प्राइस टैग के अंदर आपको इससे अच्छा गिम्बल नहीं मिल सकता है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे दो LED लाइट्स हैं, और यहाँ पे पावर ऑन स्विच, और यहाँ मोड स्विच है, यहाँ पे टिल्ट बटन है। टिल्ट बटन का प्रयोग आप ऐसे ही कर सकते हैं, मानिए आपने इधर से फोटोग्राफी करनी है तो आप इसको मूव कराना चाहते हैं लेफ्ट या राइट, तो आप इसको टिल्ट बटन को अगर लेफ्ट देते हैं तो लेफ्ट में ये मूव करा देगा, और अगर आप राइट देते हैं तो ये राइट में मूव करा देता है दोस्तों। ऐसे ही ये अपवर्ड पोजीशन और डाउनवर्ड पोजीशन में भी आपके मोबाइल डिवाइस को मैन्युअली टिल्ट कर देगा। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं जो कि आप इस्तेमाल कर पाएंगे दोस्तों। ये मोड के बटन को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के मोड्स आ जाते हैं, जिसके अंदर या तो ये स्टेबल हो जाता है या फिर एक डायरेक्शन में ही मूव करता है। तो ये आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप इसके मोड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्यूटी मोड मिलता है, वाइट बैलेंस मिलता है, ग्रिड का मिलता है, वीडियो रेजोल्यूशन को आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको 1080p पे लगा रखा है, आप 720p पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो फ्लैश का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर ऑटो मोड में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन पे भी छोड़ सकते हैं दोस्तों। बात करें गिम्बल के सीन मोड की, तो यहाँ पे अगर आप सीन मोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वॉक और स्पोर्ट दो
मोड्स आपको मिलते हैं, यानी कि वॉक के टाइम में आपका जो स्टेबलाइजेशन है थोड़ा सा हल्का होगा क्योंकि इतने ज़्यादा शेकीनेस नहीं होगा। लेकिन स्पोर्ट्स में मान लीजिए आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दैट टाइम इसका स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हार्ड, यानी कि बहुत ही अच्छी वीडियो स्टेबलाइजेशन ये स्पोर्ट मोड में देता है दोस्तों। इसके अलावा इसके अंदर है कुछ सेटिंग्स जो कि कैमरा की सेटिंग्स है गिम्बल की, और जनरल कैमरा सेटिंग के अंदर अगर जाके देखें तो पैनोरामा क्वालिटी को आप सेट कर सकते हैं हाई, मीडियम या लो के अंदर। और पैनोरामा शॉट भी आपको मैं खींच के दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से ये पैनोरामा लेता है। तो इसके लिए आपको जाना होगा कैमरा मोड में और फिर आपको चूज़ करना होगा यहाँ पे पैनोरामा। पैनोरामा को जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे ये बता रहा है कि 180 का है, 330 डिग्री का है। 330 डिग्री का अगर पैनोरामा आप लेना चाहेंगे तो कन्फर्म करते ही ऑटोमेटिक जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखें कि ये ऑटोमेटिक ही घूमेगा और आपकी फ़ोटो लेने शुरू कर देगा, और इस तरह से ये ऑटोमेटिक घूम के आपका पैनोरामा शॉट कैप्चर कर लेगा, जो कि बहुत ही अच्छा और स्टेबल शॉट होगा दोस्तों। इसके अलावा आपको मिल जाएगा फेस ट्रैकिंग का ऑप्शन, यानी कि ये गिम्बल आपके फेस को ट्रैक करते हुए ऑटोमेटिक ही अपनी पोजीशन चेंज करेगा ताकि आप हमेशा स्क्रीन के ऊपर रह सकें जैसे ही आप कैप्चर करना शुरू करेंगे दोस्तों। तो ये एक अच्छा फीचर है, इसका इस्तेमाल आप अपने वीडियो व्लॉगिंग वगैरह में कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था डिजिटेक 3 एक्सिस गिम्बल स्टेबलाइजर फॉर स्मार्टफोन का हैंड्स ऑन रिव्यू और अनबॉक्सिंग। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह की फुटेज बनाना, यानी कि अगर आप व्लॉगिंग करते हैं या यूट्यूबर हैं या आप वीडियोस वगैरह फ्रिक्वेंटली खींचते हैं और स्टेबलाइजेशन चाहते हैं, तो ज़रूर लें इस डिजिटेक 3 एक्सिस गिम्बल स्टेबलाइजर को, जो कि अवेलेबल है अंडर ₹7,000, यानी कि 6999 के प्राइस टैग के साथ ये अमेजोन पे अवेलेबल है दोस्तों। अदरवाइज अगर आप ये सब शौक नहीं रखते हैं तो इस गिम्बल को बिल्कुल भी ना ले दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी, और ब्लॉगसंजीव टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो आपके लिए लेके आता ही रहता हूँ दोस्तों। ब्लॉगसंजीव टेक्निकल देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद दोस्तों।